नंबर 16, आज तुम्हारी सजा के 2 साल पूरे हुए, तुम रिहा किए जाते हो। ये लॉकेट का क्या? मेरा लॉकेट? अरे हाँ, ये लो। आज तुम तीसरी बार जेल से रिहा किए जा रहे हो, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम फिर यहाँ ना आओगे? जेलर साहब, मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि यहाँ ना आओ, लेकिन क्या करूँ, एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ पुलिस का इतना बड़ा डिपार्टमेंट, मुझे आना ही पड़ता। अच्छा, आधा वर्ष? आधा वर्ष शुक्र। ही चाली है तेरी की, फकत एक चवन्नी सो भी खो खैर जाने भी दो, कहूँ आपकी क्या लाए? आपकी बड़ी बढ़िया चीज लाए हूँ, बोलो क्या दोगे? देखे नहीं, तुम हमेशा बेईमानी करते हो, पहले दाम बताओ। अजीब चोंगा आदमी हो, बिना चीज देखे दाम कैसे बता सकते हैं? कुछ है भी या ऐसे ही है? क्यों नहीं, ये लो। ले गई सुसरी, खोटी चवन्नी थमाकर मार लेगी मेरी सोने की घड़ी। कहो कैसी आए, इस घड़ी का क्या दोगे? ये मेरे से बात करो, सीधी तरह दे दो नहीं तो मैं पुलिस में जाता हूँ। हाँ, खुशी से। झगड़ा करने से क्या फायदा, मुफ्त में पुलिस पकड़ लेगी। दे दो मेरी घड़ी। तुम्हारी या उस बूढ़े की? बूढ़े की तो तुमने देख लिया था जी, तो मेरे पास कैसे आते? आओ आधा आधा बांट ले। बड़े खूबसूरत हैं आप। अच्छा, कुछ भी दे दो, 20, 10, जो तुम्हारी मर्जी। एक पैसा नहीं मिलेगा। मैं तो लेकर ही रहूंगा।
अरे बाके क्यों शामत आई है? जानता ये कौन है? शेखर बाबू। अरे बाप रे, तो आप ही शेखर बाबू हैं? तभी नहीं तो मुझ पर हाथ साफ करना आसान काम नहीं है। बड़े अच्छे मिले। और आपकी तारीफ? ये है हमारे बाके बाबू, नंबर ही उचक के। अरे उचक का तो क्या, मैं कभी कदा एक का जेब काट लेता हूँ। हाँ तो शेखर बाबू, अब कहाँ हाथ मारने का इरादा है? अभी तो कुछ सोचा नहीं, तो आपकी नजर कहीं है क्या? हाँ, एक मोटा आसामी है, कल उसके यहाँ मैं नौकरी भी कर ली है। मौका देख के तिजोरी साफ करने की देर है, अगर आप मदद करें तो यूं काम बन जाए। हाँ हाँ शेखर बाबू, करो श्री गणेश, सगुन अच्छा है। अब तुम्हें रुपये की भी जरूरत है? हाँ रुपये की जरूरत तो है। अच्छी बात है बांके बाबू, तो बात पक्की रही, मिलाओ हाथ पार्टनर। हाँ तो पार्टनर, अब घड़ी के 10 ही रुपये दिलवा दो। हाँ तो भाई कुछ रुपये दिलवाओ। बस इतना ही, फिर ले लेना। ए तुम बदमाश, हमारा पैसा ला रहे थे मैम साहब, मेरे रुपए तो दिला दो। शराब चोर कहीं कहा, हम तुमको पुलिस में देगा। आधा वर्जन इंस्पेक्टर साहब। कौन शेखर, तुम इस दुकान में कैसे आए थे? जी ऐसे मालूम होता है तुमने अपना काम फिर शुरू कर दिया। जी नहीं, कुछ यही थोड़ा बहुत। तो क्या फिर तुम राह पर ना होगे? इंस्पेक्टर साहब आधा से मजबूर। क्या तुम्हें जानते हो? जी कहीं देखा था। अरे मेरी घड़ी, हे भगवान। क्या हुआ? मेरी घड़ी कहीं गिर गई, सोने की थी। सोने की थी? जी गिर गई या चोरी हो गई? पता नहीं, इसी जेब में तो थी। ओ, तो उसे आप यहाँ बेचने आए थे? जी क्या होगा। ठहरिए शेखर, तुम चाहो तो इनकी मदद कर सकते हो, समझे? घड़ी आपकी थी, आपने कहीं थी? तुम ठीक कहते बेटा, मेरी हालत ही ऐसी है, लेकिन घड़ी मेरी ही थी, मेरे अच्छे दिनों की आखिरी याद का। सुनिए, घड़ी बेचने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या करोगे जानकर, शायद कुछ मदद कर सको। मैं थिएटर जाना चाहता था, ये रानी आज पहली बार स्टेज पर गाई थी। इस उम्र में भी आप पीछे? तुम गलत समझ रहे हो, ये लड़की रानी, खैर जाने दो, क्या फायदा। अरे अब चुप कर, उस आदमी को बॉक्स में दूरबीन लिए देखते हो? हाँ जी हाँ, वो इस थिएटर का मालिक है, कहीं उसने मुझे देख लिया तो जेल भिजवा कर छोड़ेगा। लेकिन क्या बिगाड़ा आपने? मैंने नहीं, सब कुछ उसी ने बिगाड़ा है मेरा। तो फिर आप क्यों डर रहे? क्या बताऊं, सब किस्मत के फेर है बेटा, लेकिन यही मेरे पास नौकर था, आज मैं इसका कर्जदार, इससे छुपा छुपा फिरता। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार।
जो बीते फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो अरे दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। जर्मन हो या जापानी शुरू हुआ है जंग तुम्हारा जाग उठो हिंदुस्तानी तुम न किसी के आगे झुकना जर्मन हो या जापानी आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो अरे दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो अरे दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो चलिएगा नहीं क्या हुआ प्रो क्या रानी की हालत देखकर दिल भरा है। बेचारी एक कोने में खड़ी गा रही थी। एक दिन था उसके नन्हे नन्हे पांव सारे स्टेज को हिला देते थे। अच्छा वो नाचते भी थे बेचारी लेकिन उसका पैर कैसे खराब हो गया। उसके बाप की बेवकूफी से वो इस थिएटर का मालिक था। जिस दिन उसके हाथ से जाने लगा तब उसने अपना हम गलत करने के लिए खूब शराब पी ली। रानी को आखिरी बार स्टेज पर उतारा खुद पखवाज लेकर बैठ गया। बाप न थका नशे में चूर शराबी उसे किसी बात का होश न रहा। रानी बिचारी नन्ही सी जान कच्ची टहनी की तरह जमीन पर आ रही। उसके पैर को लकवा मार गया था तब से उसकी यही हाल। बेचारी आप रानी के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मालूम होता आप उसके पिता। चलिए अच्छा आ जाओ बेटा। क्या कुछ रुपये चाहिए थे। कितने। यही एक बोतल शराब के लिए। तो आप रंग गलत करना चाहते हैं। हाँ बेटा लीजिए इधर एक बोतल में नशा ना आए तो दो बोतल पी लीजिए। बेटा ये गजरा उस लड़की रानी को दे देना। क्या कहूँगा उनसे। कुछ नहीं कुछ नहीं। बाबूजी 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 बचिए। बाल बाल बच गई आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो मैं गाड़ी के नीचे आ गई होती। लेकिन इस भीड़ में आप क्यों आ रही थी जब आपका पैर खराब है। पिताजी से मिलने कहाँ गए वो। मालूम नहीं। वो अभी आप पिताजी को रुपए दे रहे थे। मालूम होता है आप उनके दोस्त हैं। जी हाँ क्यों। अगर पिताजी आपको फिर मिले तो उनसे कहिएगा कि मैं उनको मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। अगर मिले तो जरूर कह दूंगा। अच्छा
पंडित जी, अभी अभी बाबूजी को यहाँ देखा। सच? कहाँ बुलाया? लेकिन वो चले गए, मेरी जान भी चली जाती अगर एक साहब न बचाते। अच्छा जी, हार किसी निकाल लिया? हार निकाल लिया? दादा जल्दी क्लास करो। बराबर बहुत सक्सेसफुल खेल रहा था। जनाब कहाँ भाग रहे हैं? चलिए हाथ निकालिए। क्या सब संभाल कर बात करो, पहले इधर चलो। थोड़ा बात चलता हूँ। ये साहब भाग रहे थे, तलाशी लो इनकी। और भी तलाशी लीजिएगा। जी नहीं, माफ कीजिएगा, गलती हुई। सर माफ कीजिए, लेकिन फिर कभी ऐसी गलती ना हो। एंगाड़ी रोको। अभी सवारी किधर ले गया? जी जो साहब, मुझे भी ले चलो। कैसे आए आप? हम लोगों को जगाया भी नहीं। जी क्या बताऊं? दरवाजा खोलिए, सुनते हैं? कौन? पता नहीं, खोलिए जल्दी खोलिए। जरा देखते हैं जी, देखते हैं कौन है।
ए, ये क्या काम है? आपकी यहाँ चोर घुसा है, यही तो है। हाँ। ऐसे ठीक तरह बात करो। क्या बकता है? क्या बात है? आप इस आदमी को जानती हैं? ये आदमी आपके मकान के पीछे से चोरी चोरी घुस रहा था। चोरी चोरी घुस रहा था? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, ये आदमी चोर मालूम होता है। आप चोर? सर फिर गया है आप लोगों का? जाइए यहाँ से। अजीब आदमी है, इतनी इतनी भी तमीज नहीं, कौन शरीफ है और कौन चोर। जी हाँ देखिए ना। अच्छा माफ कीजिएगा, आपको बहुत तकलीफ। लेकिन अरे आपके पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं, यही जरा मोच आ गई। मोच आ गई? देखो। ऐसे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं लीला, जरा दौड़ के मांझी के कमरे से वो दवा तो ले आ। रहने दीजिए, दवा की क्या जरूरत है? नहीं आप नहीं जानते, जरा सी देर में तकलीफ बढ़ जाएगी। आइए यहाँ बैठिए, आइए ना। अरे आप तो बिल्कुल भीग गए हैं, कोट उतार दीजिए। कोट? कोट तो मैं पहने ही रहूँ वरना ठंड लग जाएगी। जी भीगा हुआ कोट पहने रहेंगे तो निमोनिया ना हो जाएगा, उतार दीजिए ना। लाइए। मेरे पास ही रहेंगे। लाइए ना, सूट में डाल दी। ये लाइए, मुझे दीजिए। आप बैठे रहिए, मैं लगा देती। यहाँ? जी हाँ। हाँ ये बताना तो आप भूल ही गए कि कैसे आए थे। आप सुनकर खुश ना होंगी। क्यों, ऐसी क्या बात? समझ लीजिए मैं चोरी करने आया था। चोरी करने? आप हमारे यहाँ ऐसा है क्या जो कोई चोरी करने आएगा? आप यकीन नहीं करती? कैसे यकीन करूं, आप इतने नेक इतने दयावान हैं, आप तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। आप न जाने मुझे क्या समझ बैठे। आप जो हैं वही बताइए ना, कैसे तकलीफ की? क्या कोई जरूरी काम था? जी हाँ काम तो जरूरी था। बहुत तकलीफ हो रही है? जी बस कीजिए। कोट में पहनी लूँ, सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही? खैरिए मैं आपके ओढ़ने के लिए कुछ लाती। ये काम क्या है लीला? ये नरगिस का गजरा क्या तू लाई थी? नहीं तो दीदी। नरगिस का गजरा? ओह समझी। मैं जान गई कैसे आए थे आप। क्या, ये कैसे जान गई आप? ये गजरा कौन लाया? ओ, ये गजरा, ये गजरा दरअसल आपके पिताजी आपको देने के लिए लाए। तो पिताजी यहाँ आए थे? जी आप पिताजी के साथ आए थे ना? जी हाँ जी हाँ, आपके पिताजी मुझे यहाँ ले आए थे। पिताजी यहाँ आए और हम उनसे मिल भी नहीं सके, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? जी यही तो मुसीबत हुई, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो न माने, यहाँ तक कि उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ा भी लेकिन अंधेरे में गिर पड़ा और वो चले गए। तभी आप कुछ बतलाना नहीं चाहते थे। जी मैंने कहा था ना आप सुनकर खुश ना होंगे। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। मैं कह रही थी रात को आप यहीं रह जाइए ना, शायद पिताजी आपको ढूंढने चले आए। जी मैंने समझता कि अब रात को वो फिर आएंगे। लेकिन ठहरने में आपका क्या हर्ज है? मुमकिन है वो आ ही जाए, और फिर आपका पैर भी तो ठीक नहीं, इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे आप? यही सो जाइए ना। यही सो जाओ? हाँ हाँ। अच्छा आप सो गए, अच्छी बात है।
जा अपने बिस्तर पर, मुझे तो डर लग रहा है दीदी। डर का क्या, तुझे चोर उठा के ले जाएगा? मुझे नहीं, कहीं मेरी दीदी को ना ले जाए। कहा दीदी, मुझे तो नींद नहीं आ रही, मैं अभी बुलाती हूँ। धीरे धीरे आरे बादल धीरे, आरे बादल धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर दिन न मचा। धीरे धीरे आरे बादल धीरे, मेरा बुलबुल सो रहा है, बंद कर पाखे, बंद कर पाखे, नींद में डूबी हुई है सरपती आंखें, सरपती आंखें, जाग तुझे मेरी कसम, जाग तुझे मेरी कसम, मेरी कसम है जा, तुझे मेरी कसम, मेरी कसम है जा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल न मचा। धीरे धीरे आरे बादल धीरे, आरे बादल धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर दिन मचा। धीरे धीरे रानी कहाँ है? अंदर। जरा बुला लीजिए, कहिए मैनेजर साहब आए हैं। किस काम से आए हैं? ये उसे मालूम है। मैं भी तो सुनू। ये मकान देखते हैं? जी हाँ। ये सारा मकान मेरे साहब के पास रहन है, मैं इसका ब्याज लेने आया हूँ, समझे? गए नहीं आप? सुबह आप ये शुभ काम करने क्यों चले आए? मेरे ख्याल से इस वक्त अब तशरीफ ले जाइए। क्या कहा? नमस्ते मैनेजर साहब। गुड मॉर्निंग। आइए आप चाय पीजिए। हाँ रानी, आज 10 तारीख हो गई, ब्याज का रुपया दो। रुपए का इंतजाम तो मैं अभी तक नहीं कर सकी। ये मैं कुछ नहीं जानता, साहब ने कह दिया है अब की मरतबा रुपए न मिले तो मकान नीलाम करवा देना। नहीं नहीं मैनेजर साहब, कुछ दिन और ठहर जाइए, मैं रुपया जरूर अदा कर दूंगी, चाहे मुझे मकान की चीजें ही बेचनी पड़े। अब तुम्हारी यहाँ रहाई क्या है सिवाय एक पुराने पियानो के, और वो भी तुम बेचना नहीं चाहती क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी की बड़ी प्यारी चीज है। जी, अगर कोई उपाय न हो तो वो भी बेच डालूंगी। अच्छी बात है, मैं अपनी जिम्मेदारी पर 7 दिन की मोहलत देता हूँ। हाँ देखो, पियानो बेचना हो तो मुझे जरूर बताना। अरे आपने अभी तक चाय नहीं पी। पीता हूँ। ये आदमी तो बड़ा बदतमीज है, ठीक से बात करना भी नहीं जानता। जी, ये लोग दूसरों की मजबूरी देखकर और भी बदतमीज बन जाते हैं। कल तक हम पैसे वाले थे तो यही लोग हमसे अच्छा बर्ताव करते थे। क्या सोच रहे हैं आप? यही कितनी मुसीबतों का सामना आप कैसे करती हैं? ओह, हम तो इन बातों के आदि से हो गए हैं। मकान आप किराए पर देती हैं? जी हाँ, यही एक सहारा था, लेकिन अब तो वो भी बहुत दिनों से खाली पड़ा है। देखिए, मुझे रहने के लिए एक मकान की जरूरत थी, अगर आप कहें तो मैं यहीं रहने चला हूँ। आप यहाँ रहेंगे? जी हाँ, बात यह कि जिस होटल में मैं रहता हूँ
वो बहुत ही खराब है। लेकिन आपको ये मकान पसंद आएगा? अजी क्यों नहीं, मेरे होटल से तो ये मकान कहीं अच्छा है, अगर आपको कोई इतराज ना हो। इतराज? ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे तो बहुत खुशी होगी। लीला, अब आप हमारे मकान में रहेंगे, सच दीदी? हाँ। अच्छा, तो शाम तक मैं अपना स्टॉप ले आऊंगा। मेरा कोट तो जरा मंगवा दीजिए। अरे हाँ लीला, जरा दौड़ कर आओ। चोर लापता, एक आना, सिर्फ एक आना, हिटलर का हवाई हमला बेकार, आधा दिन के संपादक गिरफ्तार, एक आना, सिर्फ एक आना। हाँ हाँ मेरी सरकार, आज तो जरूर आएंगे, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। कहो ये मेरी सरकार कौन, कोई नई चिड़िया फंस रखी? हाँ एक कबूतरी है, उड़ते उड़ते हाथ लग गई, मालूम होता है दाने की जगह शेर चुबा करती। हाँ भाई बर्बाद कर दिया जालिम ने, मैं तो लूट गया। चलो तुम्हें लूटने वाला भी तो कोई मिला। ये देखा, अच्छा तो तुम ही थे, मैं भी सोच रहा था कि भला खुले आम बीच सड़क एक औरत के गले से हार उतार लेने का कलेजा किस्म। हाँ तो बताओ क्या दाम लगाते? भाई हार तो कीमती है लेकिन इसे बेचना जोखिम का काम है, ग्राहक फंसाना पड़ेगा। अच्छी बात है, कोई जल्दी नहीं। जय गोपाल जी की शादी। जय गोपाल जी की सेठ साहब। मारे को तो एक हार चाहिए जी। कैसा हार सेठ साहब? जरा बढ़िया किस्म का, ये रजवा रख लो। हीरे का, पन्ने का, मोती का? हाँ मोती का। मोती का तो वो हार दिखाओ सेठ साहब के तबियत खुश हो जाए। हाँ चलो। हाँ चलो। ये लीजिए सेठ जी, ये तुम्हारे नहीं जचे जी, ये देखिए, और ये, अरे ये तो सब नकली माल है जी। सेठ जी तो असली माल की तलाश में है। अच्छा भाचा सेठ जी, सिगरेट कीजिए। नशा नशा। सेठ जी को तो सिगार पसंद है। जय गोपाल जी का इंस्पेक्टर साहब। जय गोपाल जी की शेखर। आदाबर सर। आदाबर सर, तशरीफ लाइए। नमस्ते। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। कहो मोहन, अच्छे तो हो? जी हाँ। यहाँ नहीं, आप इधर तशरीफ लाइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हार का कुछ पता चला? जी अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन छानबीन हो रही है। मैं उसी हार के बारे में आपसे कुछ दरियाफ्त करने आया। आप पहले चाय तो पी लीजिए। क्या कोई और साहब आने वाले हैं? जी नहीं तो। उस प्लेट को देखकर मेरा ऐसा ख्याल हुआ। जी वो तो हमेशा लगा दी जाती है। किसके लिए? किसी के लिए नहीं, ऐसे ही मेरा खत समझिए। ये बिल्ली यहाँ कैसे आ गई? माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आया। क्या हुआ? प्लेट के गिर जाने से इंद्रजीत बाबू नाश्ता छोड़ के चले गए। जी हाँ, बात ही ऐसी है। मालूम होता है इस प्लेट के पीछे कोई दर्द भरी कहानी है। आप भी उदास हो गई? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, आप शायद इसमें हमारी मदद कर सके। हाँ हाँ कहिए, क्या बात है? आप जानते ही हैं कि मैं मोहन की सौतेली माँ हूँ। मोहन का एक बड़ा भाई भी था मदन, वो लड़कपन में ही घर छोड़कर चला गया। घर छोड़कर चला गया, क्यों? एक दिन की बात है। मोहन, अभी तक मदन नहीं आया? मैं मार के कर रहा हूँ। जी तरह अपने बाबूजी के पास। क्या है? देखिए साहब, आपके लड़के ने मेरे रामू का सर फोड़ डाला। क्यों बे? तो अपने आदतों से बाज नहीं आएगा? इसने मुझे गाली क्यों दी? गाली कहाँ दी? ये इन्होंने हाथ में गुदना गुदा, तो हमने कहा तुम शरीफ नहीं हो। गुदना गुदा? मदन क्यों बे, तुझे मना कर दिया था फिर भी नहीं माना?
जाने दीजिए, बच्चा है, फिर कभी मारपीट की तो चमड़ी उधर दूंगा। ध्यान रख। आ गया बेटा, थोड़ी दो। अरे ये कपड़े कहाँ फाड़ डाले? कहीं नहीं बेटा, पहले मुंह हाथ धो ले, फिर कपड़े बदल कर खाना खाइयो। नहीं, मैं कपड़े नहीं बदलूंगा, लाओ खाना। कैसा लड़का है, माँ का कहना नहीं मानता? तुम मेरी माँ नहीं हो। फिर वही बात। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। तो फिर कौन है तेरी माँ? यह है। क्यों बे, अब क्या शोर मचा रहा है? दादा माँ से कहते हैं तुम मेरी माँ नहीं हो। है? फिर कहा ये तेरी माँ नहीं है? हाँ, ये मेरी माँ नहीं है। क्या तेरी माँ है? क्या बोल? नहीं कहूंगा। नहीं कहेगा? अरे अरे, क्या मार डालिए ना? तुम्हारे लाड़ने से बिगाड़ रखा है, अगर माँ ने कहा तो निकल जा रहे। पर्ची थाली से उठा दिया, बुलाइए उसे। जाने दो, भूख लगेगी तो आप आ जाएगा। मदन, मदन, लेकिन वो फिर न लौटा। उसके पड़ोसी थाली वैसी की वैसी रखी रही, उसे एक तरफ ढूंढा लेकिन वो न मिला। इनके दिल को इतना धक्का लगा कि ये महीनों बीमार रहे और आखिर में उस शहर को छोड़कर यहाँ चले गए। तब से उसके लिए एक थाली परोस दी जाती है। उनका ख्याल है कि एक न एक दिन वो जरूर लौटेगा। बहुत अरसा हो गया, फिर भी देखिए शायद मिल जाए। अच्छा, मैं जरा इंद्रजीत बाबू से मिलूं। मैं आपका मकान छोड़ूंगा। क्या? नहीं नहीं, मानिक रानी। हाँ, आज 7 दिन हो गए कि आरोपियों का इंतजाम। मैं पहले ही जानता था। तो फिर प्यानो बेच रही हो ना? लो ये 50 रुपए नक। 50 रुपए? और नहीं तो क्या 500 रुपए मिलेंगे, और वो भी इस टूटे फूटे प्यानो पर। जिसके सुर भी तो ठीक नहीं है। मुझे नहीं बेचना है मैनेजर साहब। क्यों? बेचने से क्या फायदा, 50 रुपए से तो मकान का ब्याज भी अदा न होगा। अच्छा, 100 रुपए ले लो, बाकी के लिए मैं मोहलत दिलवा दूंगा। बोलो, हो राजी? जी, अगर बेचना ही है तो बाहर क्यों ना बेचूं? 400-500 से कम क्या मिलेगा। अच्छी बात है, तुम प्यानो बेचती रहो और मैं मकान बिकवाता हूँ। साहब ने तो कही दिया है कि आज ही मकान नीलाम कराने की दरखास्त दे दी जाए। ऐसा न कीजिए मैनेजर साहब, अब ये मकान ही हमारा सहारा है। ये भी नीलाम हो गया तो हम लोग कहीं के न रहेंगे। 2-4 दिन और ठहर जाइए। गैर मुमकिन, मैं चला कचहरी। माफ कीजिए, चोट तो नहीं लगी? नो नो, बाल बाल बच गए साहब, वरना चारों खाने चित नजर आते। यस यस। थैंक यू, थैंक यू, टाटा। बहुत पढ़ाई हो रही है, मालूम होता है इम्तिहान नजदीक आ गया। जी जी। हाँ, क्या पढ़ रही? हिस्ट्री, इतिहास।
इतिहास में गाने लिखे रहे जी नहीं, वो दिल बहलाने के लिए। लीला क्या है? जी कुछ नहीं, चिड़िया उड़ा रही थी। बहुत देर क्या है लीला? क्या करूं, आज देर हो ही गई। क्या पढ़ रही हो? ओह हिस्ट्री। कल मैं तुम्हारे मास्टर साहब के पास गया था, उन्होंने कहा है इम्तिहान में पानीपत की तीसरी लड़ाई आ रही है। चलिए अकेली ही अकेली खाओगी, मुझे ना दोगी? नहीं, मुझसे बात तक करने की फुर्सत नहीं। ऐसा क्या पढ़ रही है? पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, लाओ इधर। हाँ बता, बोटिंग का चलती है या नहीं? पहले तुम बताओ, तुमने बाबूजी से ब्याह के बारे में बात किया नहीं? नहीं नहीं। देखो लीला, तुम तो जानती ही हो बाबूजी से कहने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन इस तरह चोरी छुपे हम कब तक मिलते रहेंगे? अगर हमारा ब्याह जल्दी नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। मैं कहती हूँ तुम हिम्मत करके बाबूजी से जाकर अभी कहो, जाती हो कि नहीं? अच्छा हाँ लीला, बाबूजी से किस तरह बात छेड़ू? यूं ही उनके सामने मुंह बना के खड़े हो जाना, तो पूछेंगे क्या है मोहन, तो तुम कहना बाबूजी मैं लीला के साथ ब्याह करना चाहता हूँ, बस। हाँ ठीक है। मोहन क्या अभी तक चिड़िया उड़ा रही? जी नहीं। कहीं क्या ढूंढ रहा? मेरा पर्स, मेरा पर्स कहीं गिर गया है। आपको तो कहीं नहीं मिला? मुझे नहीं तो कुछ रुपए पैसे थे उसमें। यस यस, मेरी सारी पूंजी थी उसमें। बड़ा अफसोस है, जल्दी ढूंढिए वरना कोई मार ना दे। है यहाँ क्या कर रहा है? कुछ तो नहीं, मक्खी का जाला साफ कर रहा हूँ। साहब तिजोरी साफ कर दो। क्या कहीं मकड़ी ने अंदर जाला ना लगा दिया हो? बेवकूफ कहेगा, गया से गए मैनेजर को भेज दे। मोहन ये रुपए अपनी माँ को दे। अच्छा चलिए। माँ के उस आदमी को जानता है? नहीं तो साहब, आप पहले तो पता लगाओ। नहीं जी। ये लीजिए। शुक्रिया। हाँ पर्स मिल गया? मिला तो नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ किसने उड़ाया। तो आप उसे वसूल क्यों नहीं कर लेते? कर ही लूंगा, अगर सूद ब्याज समेत न वसूल किया तो मेरा नाम पहलवान सिंह नहीं। जी मगर ये नाम कुछ आप पर फंकता नहीं, इसे बदल ही डालिए। नमस्ते। कृष्ण कन्हैया भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। अब तेरे सिवा, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। अब तेरे सिवा मेरी खुशी की दुनिया बाबुल ने छीन ली, मेरे सुखों की कलिया किस्मत ने बीन ली, मेरी खुशी की दुनिया बाबुल ने छीन ली, मेरे सुखों की कलिया किस्मत ने बीन ली। अब तू ही बचा लाज मेरी बंसी बजैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। अब तेरे सिवा Thank you.
तो बार बार वो ले लेके बनैया, कहती है बार बार वो ले लेके बनैया, भगवान 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 किनारे से लगा दे मेरी नैया, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, अब तेरे सिवा। अरे आप क्या खड़ी? क्या है ये रसीद? क्या आप रखा है? देख, आप भगवान पर विश्वास करती हैं? जी हाँ। अभी आप पूजा कर रही थी, मेरा ख्याल है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। जी, आज अगर आप नहीं होते ना जाने हमारा क्या हाल होता। अरे आप रो रही हैं? मैं आपका उपकार कभी ना भूलूंगी। आप आदमी नहीं, देवता हैं। मैं देवता? मैं तो बिल्कुल एक मामूली आदमी हूँ जिसमें सिवाय बुराइयों का कुछ भी नहीं। चलिए पहुंच डालिए आज। ये एक सहारा था, वो भी टूट गया। कोई बात नहीं, और आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसके बिना तो मेरा चलना ही मुश्किल है। आइए आप मेरे सहारे चलिए, मैं आपको नीचे पहुंचा देता हूँ। एक बात पूछो। कहिए। आप यहाँ से चले तो ना जाइएगा? क्यों, मेरे चले जाने से आपको दुख हो? नहीं जाइएगा ना? लेकिन मेरे चले जाने में आपकी भलाई है, इसलिए सोचता हूँ यहाँ से चला जाऊँ। नहीं नहीं, आप नहीं जाइए। रानी, रानी, अच्छा मैं नहीं जाऊँगा, मैं वादा करता हूँ। देखो तो, ये तस्वीर किसकी? मेरी। अच्छा, लेकिन इसमें तो सिर्फ हारिया नजर आ रहा, आपका हाथ तो बहुत खूबसूरत है, मोती का है ना? जी, ये हार मुझे बाबू जी ने दिया था जब मैं पहली दफा स्टेज पर उतरी थी। अच्छा, लेकिन ये हार आप कोई पहनती नहीं? कुछ दिन ही ऐसे बेच डालना पड़ा। लेकिन ऐसा ये हार मैंने कहीं देखा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, तो मैं हमारे ठाट मोटर में बैठ के आएंगे तुम्हारे यहाँ, तुम्हें भी सर करा देंगे। लेकिन मैं तो अकेले कहीं जाता नहीं, मेरी सरकार भी होंगी साथ। हाँ हाँ, तुम अपनी सरकार को साथ ले लेना। और मैं भी किराए की कोई सरकार उठा। तुम क्या हाजी जा गए? क्या बात? वो तिजोरी के ताले का नंबर मिल गया, मैदान साफ है, चलो हाजी रात को फैसला हो जाए। और तो एक माल ही माल। ये बात, लेकिन इसे जल्दी किया पार्टनर, सुख काम में देर नहीं करनी चाहिए। कहा है काल करे सो आज, कर आज करे सो अब। ठीक है पार्टनर, लेकिन आज रात को रहना। क्यों शेखर बाबू, आज पहली दफा तुम्हें हिचकते हुए देख रहा हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आज कुछ तबीयत नहीं करती। कुछ छिपा रहे हो, बताना क्या बात है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कैसे, हम सब समझते हैं, हमने पहले ही बता दिया था कि भोली भाली शक्ल के चक्कर में ना उस लड़की रानी ने तुम पर टोना कर दिया है, टोना। शायद तुम ठीक कहते हो पार्टनर। ओहो शेखर बाबू, तो तुम भी एक चिड़िया फांस ली, क्या बात है। अच्छा, तो मामला इतना संगीन हो गया कि सरकार उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते? जी हाँ। ओ, तो सरकार इधर कैसे आना हुआ? हाँ, वो हार मुझे वापस चाहिए।
हार? हार वापस चाहिए? वो तो मैं अपनी सरकार के गले में डाल चुका। अच्छा जी, तो मैं सरकार गले से उतारे लाता हूँ। ठहरो ठहरो, हार तो मेरे ही पास है, दाम ले लो। कितने चाहिए? 200 रुपये? मुझे रुपया नहीं चाहिए। अरे 300 ले लो, अगर इससे ज्यादा कहीं मिले तो मैं ना कटवा लूं। मुझे रुपया नहीं, हार चाहिए, हार। जल्दी निकालो। अच्छी बात। देखो पार्टनर, तुम रानी के लिए मुझे भी इतना दार में नहीं डूबो सकते। नहीं नहीं, तुम नहीं डूबोगे। मैं कहता हूँ तुम दूसरा पार्टनर क्यों नहीं ढूंढ लेते? पागल हो गए हो क्या? देखो, अगर हमारी बात ना मानोगे तो रानी के आगे तुम्हारी कलाई खोल देंगे और फिर तुम्हारे ये सपने मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे पार्टनर। तो फिर हम क्या करें? तुम्हारे लिए कब तक बैठे रहे? जब तक मेरे सपने मिट्टी में ना मिल जाए। ये लो। शुक्रिया। अच्छी बात है, लेकिन याद रखना हमेशा तुम्हारा काम पड़ता है। कोशिश करूंगा आगे तुमसे काम ना पड़े। हाँ, अब मेरी दुकान में पाव ना रखना। कहो बाके, दुकान खरीदते हो? अब क्या खरीद अपना सर? बादल धीरे हारे, बादल धीरे धीरे जा, मेरा बोलो सो रहा है, मेरा बोलो सो रहा है, शोर गुल न मचा, धीरे धीरे। रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है, रात धुंधली हो गई है, सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में, सो गई सो गई सो गई लैला किसी की इंतजारी में, सो गई लैला किसी की इंतजारी में, मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल न मचा, धीरे धीरे। हो गाने वाले धीरे गाना, गीत तू अपना। अरे टूट जाएगा किसी की आंख का सपना, टूट जाएगा किसी की आंख का सपना, चुपके चुप कह रहा है, चुपके कह रहा है मुझसे मेरा दिल, आ गई देखो मुसाफिर प्यार की मंजिल, मुसाफिर प्यार की मंजिल। किसने पहना दी, हाँ बोलो किसने पहना दी है मुझको प्रेम की माला, किसने मेरी जिंदगी का रंग बदल डाला, आहा रंग बदल डाला। तुम कहोगे प्रीत इसको, तुम कहोगे प्यार, मैं कहूँ हाँ मैं कहूँ तो दिल मिले है हिल गया संसार, मैं कहूँ तो दिल मिले हैं हिल गया संसार। दो दिलों की ये कहानी, दो दिलों की ये कहानी, तू भी सुनता जाओ बादल, तू भी सुनता जाओ।
तुम कहोगे प्रीत इसको, तुम कहोगे प्यार, मैं कहूँ हाँ, मैं कहूँ दो दिल मिले हैं, हिल गया संसार। जाइए रानी देवी, सवेरा हो गया, उठिए उठिए, बाकी का सपना कल देखिएगा। जागे हुए को कौन जगा सकता है। फिर सो गई। ये हार तो मैंने पैक करके नहीं देखा, कहाँ से मिला? मालूम नहीं, मैं आपके इंतजार करते करते सो गई थी, किसी ने आके पहना दिया। ओ, फिर नींद कैसे रही थी? किसी के गाने से? नहीं, मैं एक बड़ा अच्छा सपना देख रही थी, सपने में ही गिर पड़ी और नींद टूट गई। अच्छा, क्या सपना देख रही थी? यही कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान मेरा पैर अच्छा कर दो। फिर क्या हुआ? फिर जब मैं भगवान के गले में माला पहनाने गई तो देखा माँ किसी और के गले में पहना दी है। किसके गले में? जिसने मुझे मोती का हार पहनाया है। तो फिर उन्होंने वरदान क्या दिया? उन्होंने कहा रानी जाओ, आज से तुम्हारा पैर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। सपना तो बड़ा प्यारा था। जी रानी, कि सचमुच तुम्हारे पर इतना खराब है कि अच्छा नहीं हो सकता? हाँ डॉक्टर तो यही बताया था। वो सब बेवकूफ था। ओ आई सी, इन्फेंटाइल पैरालिसिस का केस मालूम होता है और कुछ हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी, मेडिकल साइंस का कहना है कि ऐसे मर्ज लाइलाज से होते हैं। हेलो डॉक्टर मेहता एक्सरे की सलाह देते हैं? बेवकूफ है, एक्सरे की कोई जरूरत नहीं। मैं भला मेडिकल साइंस के खिलाफ कैसे जा सकता हूं? नेक्स्ट पेशेंट। आपके हमें बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। मैं ईश्वर तो हूं नहीं। आई सी, मरीज की उम्र क्या है? यही कोई 18-19 साल। 18-19 साल? तुमने पहले क्यों नहीं बतलाया? आई सी, तब तो कुछ उम्मीद हो सकती है। हाँ हो सकती है, और वो भी एक लंबे इलाज के बाद। ऑपरेशन करना होगा, बिजली का इलाज होगा, और भी दूसरे तरह के इलाज होंगे। अच्छा हाँ, इतने बड़े मर्ज का इतना बड़ा इलाज तो होगा ही। हाँ तो डॉक्टर साहब, इन सब में खर्च कितना होगा? ये सब मरीज देखकर बतलाया जा सकता है। मेरा ख्याल है करीब 1,500 रुपया। 1,500 रुपया? तो कुछ नहीं, तो मैं लड़के को 2 दिन में ले आऊँगा। आई सी। नेक्स्ट। तुम हार पसंद नहीं आए? क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं, जरा सोच में पड़ा। क्या बात है, बताइए ना। रानी, तुम्हारा एक साथी अब तुमसे हमेशा के लिए बिछड़ने वाला है। कौन? क्या आप चले जाएंगे यहाँ से? मैं नहीं रानी। फिर कौन? ये मार्श। ओ, आपने तो मुझे बिल्कुल डरा दिया था। रानी, अभी मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर से मिलके आ रहा हूँ, उसने कहा है वो तुम्हारे पैर बिल्कुल अच्छा कर देगा। सच? मेरा पैर अच्छा हो जाएगा? हाँ। मैं चल सकूंगी, मैं नाच सकूंगी? रानी, ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा पैर अच्छा हो जाएगा। और मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात पर विश्वास है ना? दीदी बहुत खुश है आज। हाँ लीला, शेखर बाबू ने कैसे डॉक्टर का पता चलाया है जो कहता है मेरा पैर बिल्कुल ठीक कर देगा। ओह, अरे ये हार यहाँ पड़ा है, पहना दे। नहीं, शेखर बाबू ने कहा है थिएटर वेटर पहन के ना जाना। क्यों? कहीं चोरी ना चला जाए। वाह, मैं तो पहनाऊंगी। कल कहेंगे तुम बाहर न निकलना, कहीं तुम्हें कोई चुरा कर ना ले जाए। देखो तो कितनी अच्छी लग रही है, पर तू शेखर बाबू को बुलाना। चल रानी बिटिया, चलो जल्दी, देर हो रही। आई पंडित जी। अरे लीला, शेखर बाबू को चाय देना ना भूलना। न भूलूंगी।
शेखर बाबू चाय पी लीजिए। ओहो, आज तो बड़ी अच्छी अच्छी मिठाई बनाकर लाई। जी हाँ, दीदी कह गई थी इसलिए ले आई। वैसे ना लाते? क्यों नाराज हो तुमसे? होने की बात ही है, दीदी के लिए आप मोती के हार ले आए और मेरे लिए पत्थर की अंगूठी भी नहीं। तो तुम्हारी दीदी ने तुम्हें सब बता दिया? जी। अच्छा शेखर बाबू, क्या आपने दीदी को सचमुच मना कर दिया कि वो हार पहनकर थिएटर न जाए? हाँ यूं ही, कीमती हार है, कहीं चोरी न चला जाए। चोरी के डर के मारे कोई गहने ही न पहने, मैंने तो आज उन्हें जबरदस्ती हार पहना कर भेज दिया है। क्या वो हार पहन के थिएटर गई? जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक जरूरी काम याद आ गया। चाय तो पी लीजिए। अभी नहीं। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, उस हार का पता चल गया। जी आप फौरन आइए। अच्छा रानी, इंस्पेक्टर साहब ये वही हार। कौन सा हार? यह हार तुम्हें कहाँ से मिला? क्यों, मैं जो कुछ पूछूं उसका ठीक जवाब दो। कहीं से भी मिला? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने कहीं से चुराया हो। तुमने नहीं चुराया हो, लेकिन है ये माल चोरी का। चोरी का? नामुमकिन। नामुमकिन क्या, ये मेरी बीवी का हार है जो कुछ दिन हुए इसी थिएटर में चोरी हो गया था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये वही हार है? तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? आप इसे अच्छी तरह पहचानते हैं, यह भी का हार है? हाँ अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये मेरी बीवी का हार है। नहीं नहीं, चोरी का हार उनके पास कहाँ से आया? किसके पास, किसने तुम्हें हार दिया था बोलो, मैं उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? इंस्पेक्टर साहब ले लीजिए इसे हिरासत में। क्या, ये लीजिए अपना हार, मुझे जाने दीजिए। नहीं रानी, अगर तुम नाम ना बताओगी तो मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। नादान ना बनो, तुम क्या मुसीबत में पड़ती, बता दो ना। मैंने कह दिया कि मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? नहीं। तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। शेखर बाबू, नाम बता क्यों नहीं देती रानी? इंस्पेक्टर साहब, रानी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, यह हार मैंने नहीं दिया। ओ, तो तुम थे? जी। तुम्हें ये हार चुराया था? जी हाँ। क्या आपने हार चुराया था? हाँ। क्यों, किस लिए, क्या आपने मेरे लिए चोरी की थी? नहीं रानी, तुम्हारे लिए नहीं। फिर क्यों? क्योंकि ये इनका पेशा है। क्या, तुम नहीं जानती रानी, ये बहुत मशहूर चोर है, कई दफा की सजा आपका। झूठ, बिल्कुल झूठ। क्या कहूँ रानी, मैं सचमुच बहुत बुरा आदमी हूँ, कई दफा तुमसे कहना चाहा लेकिन कह नहीं सका। ओह, और मैं समझती थी कि आप देवता हैं, हे भगवान। मुझे माफ करो रानी, आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपका मुंह देखना नहीं चाहती, मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो शरीफ बन के आप मुझे धोखा दे रहे थे। चलो शेखर, नेकी के रास्ते पर चलना तुम्हारे लिए नामुमकिन,
कोशिश तो की थी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन किस्मत क्या देना चली। किस्मत एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए। किस्मत हमारी हमी को सताए, ये जो एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए। दुनिया में पहले पहल जब वो आई, किस्मत जो आई तो फूलों के संग संग कांटे भी लाई। हम सबके आंगन में ऐसे बिछाए हाय, जो एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए। रोने का दिन है मैं गाती हूँ गाना, दुख भूलने का है ये एक बहाना। कहती हूँ मैं दिल के टुकड़ों से हाय, बैठे रहो अपना दुखड़ा छुपाए, बैठे रहो अपना दुखड़ा छुपाए। ये जो एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए। जो कुछ भी आता है आने दे बंदे, जो कुछ भी आता है आने दे बंदे, जो कुछ भी जाता है जाने दे बंदे, जो कुछ भी आता है आने दे बंदे। दुनिया में सुख दुख के दो दिन है, के जो एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए। इंस्पेक्टर साहब, आपसे मेरी एक दरखास्त। कहो। अभी आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं वादा करता हूँ दो दिन के बाद जरूर लौटाऊंगा। क्यों, क्या करना चाहते हो? मुझे 1,500 रुपये का इंतजाम करना। किस लिए? क्या कीजिएगा जानकर। लेकिन इतनी बड़ी रकम तो मिलेगी कहाँ से? कहीं से भी हो मुझे इंतजाम करना ही है। इसके मानी हुए कि तुम चोरी भी कर सकते? जी हाँ, अगर जरूरत पड़ी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये मेरी आखिरी चोरी। क्या मतलब आखिरी चोरी? जी। ओ समझे, मालूम होता है ये सब उसी लड़की रानी की मोहब्बत का असर है, और ये रुपया भी उसी के लिए चाहिए। क्यों? शायद आप ठीक करें। तो मैं जा सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब? मुझे तुमसे हमदर्दी है शेखर, लेकिन मेरा फर्ज इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैं कह रहा हूँ मैं दो दिन में जरूर आ जाऊंगा। मैं मजबूर हूँ शेखर, तुम जानते ही हो मेरे हाथों में कानून की हथकड़ियाँ। तो नहीं छोड़ सकते आप?
तक रूठी रहोगी मेरी सरकार? हाय हाय, तुमको आता है प्यार पे गुस्सा, मुझको गुस्से पे प्यार। आया सरकार। शिकर आया था जी? नहीं तो अब वो यहाँ नहीं आता सरकार। क्यों? कुछ ऐसी झगड़ा हो गया। कमीशन कम देने लगे होगी। नहीं सरकार, ये क्या कहते हैं, मैं सब कुछ बेचता हूँ पर धर्म ईमान नहीं। मैं जानता हूँ। देखो, अगर उसका कहीं पता चले तो मुझे फौरन खबर करना। अगर कहीं दिखा तो जरूर इत्तला कर दूंगा सरकार। नहीं तो याद रखो, तुम्हारी ये धर्म ईमान की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, समझे? जी जी, बंद की सरकार। मालिक भला करे। कुछ भी कहो मेरी सरकार, मैं तो आज जरूर आऊंगा। यार की गलियों में क्यों कर यार जाना छोड़ दे, किस तरह बुलबुल चमन से आशियाना। अबे अबे, कहाँ घुसा आता? ओ आप, अभी इंस्पेक्टर साहब आपको ढूंढने आए थे। मुझे मालूम, लेकिन देखो मुझे 1500 रुपए की सख्त जरूरत है, किस तरह दे सकते हो? अच्छा, तो सरकार रुपया मांगने आए हैं मुझसे? शर्म नहीं आती? देखो, तुमने मेरे जरिए 1000 रुपए पैदा किए, ये रुपए तुम्हें देने ही पड़ेंगे। ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी है मेरे राजा? रानी के गले में मोतियों का हार तो डाल ही चुके हो, अब क्या हीरे का डालना है? तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? बड़ी चंद लौंगियां निकली यार, तुम जैसे घाघ भी फिसल गए। चुप रहो। अरे अरे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, रुपए देते नहीं। अरे भाई छोड़ो, मेरे पास इतना रुपया कहाँ है? लो, तुम खुद ही देख लो। अरे भाई, तुम्हें तो वो फन है कि पलक मारते ही 1000 रुपए पैदा कर सकते हो, जाकर बाकी बाबू से क्यों नहीं मिलते? वहां तो पका पकाया मामला है। साला मेरा ही गला घोटता है। हेलो, पुलिस थाना। अपना वादा पूरा करना। क्या मतलब? आज रात को इतनी जुटे साफ कर दी जाए। सच? फिर पलट तो ना जाओगे? नहीं नहीं, बोलो तैयार। क्यों नहीं, जरूर आप मिलाओ पार्टनर। रात को 3 बजे यही मिलना, हम सब टिकट लगेंगे। अच्छा, हमारा हिस्सा 50-50 रहेगा? हाँ, पहले मान तो हाथ लगे। ओके, रात को 3 बजे। ओके। मुमकिन है लीला, बाबूजी कभी ना मानेंगे, वो तो मेरे कॉलेज की फीस तक भिजवा चुके हैं। और मैं दिल्ली ही तो जा रहा हूँ, कोई लीला है। मैं पहले वहाँ जाकर कोई नौकरी तलाश कर लूँ, फिर मैं आऊँगा अच्छी अच्छी साड़ियाँ और गहने लेके, और अपनी लीला को दुल्हनिया बनाकर अपने साथ ले जाऊँगा। है लो, अब तो हंस दो। लेकिन उससे पहले ही मैं और कुछ नहीं बन जाऊं। क्या क्या लीला? मैं कहूं हमारी शादी जल्दी ना हुई। क्या कहती है लीला, बोल क्या बात है? तुम नाराज तो नहीं होगी दीदी? अरे कह तो, घर से तो नहीं निकाल दोगे? क्या भक्ति है पगली दीदी। मान लो एक लड़की जिसका ब्याह न हुआ, और वो माँ दीदी, मैं कलंक नहीं हूँ, मेरा गला खून। लीला, नहीं नहीं, ये तो क्या कह रही है, मुझे माफ करो दीदी। लीला, मेरी लीला, ये तूने क्या किया? मुझे ये दिन भी देखना पड़ा था। मोहन को मालूम है? मैं उसे अभी बुलाती हूँ, वो तो आज बाहर चले गए। बाहर चला गया? लीला, वो कहीं तुझे धोखा तो नहीं देगा? नहीं दीदी, वो ऐसा ना करेंगे। कौन जाने इन पुरुषों का क्या भरोसा, इनका विश्वास करके हम अपने को मिटा देते और हमें मिलता है छल कपट धोखा। शेखर बाबू को ही देख, मैं उनको देवता समझती थी, उनकी पूजा करती थी, लेकिन वो नहीं, नहीं लीला, मोहन पर विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। मैं इंद्रजीत चाचा से जाकर सब बातें कहूंगी।
शादी में देर ना होनी चाहिए, लेकिन दीदी वो मुझ जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगे। कोई राह दिखा भगवान, मेरी बहन का जीवन नष्ट हो जाएगा, पिताजी भी छोड़कर चले गए और मैं अकेली। अगर मेरा पांव भी अच्छा होता, भगवान ही बताओ मैं क्या करूं। तेरे दुख के से जग में जिंदगी बन के जिए जा, जिंदगी बन के जिए जा, जिंदगी बन के जिए जा। एक प्याले में है अमृत, एक पेट में जहर। एक प्याले में है अमृत, एक प्याले में जहर। जो तुझे मालिक पिलावे, जो तुझे मालिक पिलावे, पीने वाले तू पिए जा, पीने वाले तू पिए जा, जिंदगी बन के पिए जा। दुख से क्यों डरता है प्राणी, दुख से क्यों डरता है प्राणी। हर के हाथ हजार है, प्रभु के हाथ हजार है। तूने आशा से भरा पैगाम दुनिया को दिए जा, जिंदगी बन के जिए जा, जिंदगी बन के जिए जा। तेरे दुख के सीधे तरह चलता है या नहीं? अरे भाई, हम माल बच्चे डराने, हमारे बीवी बच्चे रोएंगे, छोड़ दो यार सिगरेट। अरे चल सिगरेट वाले। अरे आप लोग यहाँ, क्या चोर को पकड़ लिया? नहीं साहब, वो तो कब का भाग गया। जरा भी बाहर पहरा दे रहा है। चोर के भाई गिरा कट। अच्छी क्या बात हो, चोर के भाई गिरा कट तुम चल खाने। अरे बाप रे, बचाइए खजूर, हम मर गए। ठहरिए, जो मैं भागे, तू वहाँ क्या कर रहा था? साहब हम चोर का पीछा कर रहे थे, इन्होंने रोक लिया, नहीं तो हम सड़किया पकड़ लाते। हिसाब ने क्यों पकड़ लिया? ये तुम्हारा नौकर है? आपका नौकर है? जी हाँ, जाइए चोर को तलाश कीजिए, कहीं दूर निकल जाए। जी छोड़ो,
ऐसे चोर नहीं पकड़ा जाता है, पहले चोरी करना सीखो। अरे बड़े आए पुलिस की। क्या है सर? वो लड़की रानी आपसे मिलना चाहती है। अच्छा अच्छा बैठने को। यस सर। आप जाइए ना, मैं तब तक इस जगह का मुआयना करता हूँ। अच्छी बात है। जी हाँ। शेखर ही था। नहीं, मैं लीला के साथ मोहन का ब्याह नहीं कर सकता। लेकिन चाचा जी, पिताजी पर गुस्सा होकर लीला की जिंदगी न बिगाड़िए। मैं आपके हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, वो हर तरह मोहन बाबू के योग है। हाँ है, तुम लोगों के पास है क्या? मोहन के ब्याह के लिए बड़े बड़े रईस मेरे दरवाजे के चक्कर लगाते हैं, 10-15 हजार तक का दहेज देने को तैयार है। दे सकते हो 10 हजार का दहेज? 10 हजार? इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? इसे मुझे कोई मतलब नहीं। इतने कठोर न बनिए चाचा जी। पहले 10 हजार इकट्ठे कर लो, तब ब्याह की बात चलाना। बस मैं आपके पैर पड़ती हूँ चाचा जी। भगवान, अंदर की तस्वीर इसकी पहचान है, उसे रुपए की जरूरत थी, ये काम उसी का है। इंस्पेक्टर साहब, आप जितना इनाम कहें मैं देने को तैयार हूँ। पूरी कोशिश करूंगा। मेरी सरकार कहते हैं 10 हजार का दहेज तो तब शादी हो सकती है। मैं पहले ही जानता था इन माया के लोभियों के दिल पत्थर होते हैं। एक ही उपाय था, अगर मेरा पैर अच्छा हो जाता और मैं नाच सकती। खर्च मैं दे रहा हूँ, आपने कहा था करीब 1.5 हजार रुपया लगेगा, ले लीजिए। आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, जाइए ले आइए इस लड़की को। लेकिन डॉक्टर साहब, आप उसे ना बताइएगा कि रुपया मैंने दिया। क्यों? बात यह है कि वो दूसरे की मदद लेना नहीं चाहती। आई सी, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आप उससे कह दीजिए इलाज आप कर देंगे, रुपया बाद में देती रहे। नहीं, उसे धोखा देना होगा। आप उसका कौन है? मैं जी कोई नहीं, सिर्फ उसे जानता हूँ और चाहता हूँ कि वो अच्छी हो जाए। नर्स? यस डॉक्टर। सुना, अजीब केस है। वेल, मैं आपका रुपया नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब, आपको तो इलाज से मतलब है, फीस चाहे कोई भी दे। अगर मैं उस लड़की की मदद करना चाहता हूँ तो आपको क्या एतराज? लेकिन आप क्यों उसकी मदद करना चाहते हैं? बात ये डॉक्टर साहब, मैं उसे चाहता हूँ कि अच्छी हो जाए। ओ आई सी, मैं समझा। जी तो मैं उस लड़की को भेज दूँ? हाँ हाँ, भेज दीजिए। हेलो पार्टनर। जल्दी करो, कितना हाथ लगा? 1.5 हजार। बस इतने? इतने की जरूरत है? क्या मतलब? हमारा सब करा धरा चौपट हो गया, पुलिस ने हैरान किया ऊपर से। अच्छा, निकालो हमारा हिस्सा। चलो देते। कहाँ? थाने में। थाने में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए इलाज कराने आए हो? नहीं पार्टनर, मेरी गिरफ्तारी पर 1000 रुपए के नाम है, वो तुम्हें दिला दूंगा। अरे जी क्या बकते हो, बाढ़ में जाए ऐसा इनाम? वो 1.5 हजार रुपये क्या हुए? वो तो मैंने डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर को? क्यों? रानी के इलाज के लिए। अब समझे, तभी तुम चोरी करने को राजी हो गए थे। खूब बनाया हमको, हम भी अजब बेवकूफ निकले। नहीं नहीं पार्टनर, कौन तुम्हारा पार्टनर? चुनी में जाए ऐसी पार्टनरशिप जो लड़की के पीछे फेस हो गई? अरे अरे, तुम तो नाराज हो गए, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। शर्म नहीं आती मदद मांगते? अब हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। ये बात है। तो मैं थाने चला। अरे रे, थाने क्यों जाते हो? मैं कहीं भी जाऊं तुमसे वास्ता? अजब मुसीबत है, चिड्डी मेरी पड्डी मेरी। अच्छा अच्छा कहो बाबा, क्या काम है? पहले वादा करो। हाँ कहो भी। देखो, रानी से जाके कह दो कि डॉक्टर मैंने इलाज के लिए बुलाया है और कहा है कि खर्च की फिक्र न करें। तुम कर रुपये आप दे चुके हैं। अरे तो मेरा नाम नहीं ले देना। जी हाँ, मैं ऐसा गधा नहीं। हाँ देखो, थाने न जाना। नहीं पार्टनर, मैं ऐसा गधा नहीं। Thank you.
अब तुम दो एक दिन में घर जा सकती हो, लेकिन कम से कम एक महीना तक इलाज जारी रखना। तो एक महीने के बाद मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, उम्मीद तो है। मैं नाच भी सकूंगी डॉक्टर साहब? वेल वेल, ये भी कैसे कहा जा सकता है। अच्छा पार्टनर, तुम यहाँ चले आए? पुलिस ने देख लिया हो तो? नहीं नहीं, मैं छुप के आया हूँ। रानी का पैर कैसा? पहले से बहुत अच्छा है। पंडित जी, लीला। ये फूल क्या मेरे लिए लाए हो? अच्छा बांके भैया, तुमने कैसे जाना कि ये नरगिस मुझे बहुत पसंद है? हम क्या नहीं जानते, हम तो ये भी जानते हैं कि शेखर बाबू को तुम कितना चाहती हो। अच्छा रानी माँ, अगर शेखर बाबू ये फूल लाते तो तुम ज्यादा खुश होती, नहीं? और बिला कुव्वत, देखने में इतना शरीफ लेकिन पक्का चोर। आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ है? खुफिया पुलिस है, मैं जानता था वो रानी को देखने एक न एक दिन यहाँ जरूर आएगा। आई सी, बदमाश कहीं का, कहीं भाग न जाए। आप इत्मीनान रखिए, मैंने चारों तरफ पुलिस लगा रखी है। आई सी। वो रहा शेखर। अच्छी तो हो? क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, जाइए यहां से। जाता हूं। क्या बात है, ये शोर कैसा? कुछ नहीं, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। खैरिये, इधर से ना जाइए। शिखर यहां आया था? किधर गया शेखर? शेखर ठहरा, नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब। क्या कहती हूँ रानी? हाँ क्या? जाओ पीछा करो, भागने ना पाए। तुमने बुरा किया, तुम्हारी वजह से आज वो फिर मेरे हाथ से भाग निकला। मैं अपनी आंखों से उनका खून होते कैसे देख सकती थी? मैं कहां उसे गोली मार रहा था, मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी। गजब हो गया, इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं क्या जानता था कि ये रुपया चोरी का है? इंस्पेक्टर साहब, मेहरबानी करके ये रुपया इंद्रजीत बाबू को वापस कर दीजिए। कैसा रुपया डॉक्टर साहब? वो बदमाश शेखर 1,500 रुपया तुम्हारे इलाज के लिए दे गया था। तभी आप इलाज करने पर राजी हो गए थे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यही तो मेरी बेवकूफी हुई, उसने तुमसे कहने को मना कर दिया था। डॉक्टर साहब,
अब मैं आगे अपना इलाज नहीं कराऊंगी। वेल वेल, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने तुम्हारा केस हाथ में लिया है तो इलाज पूरा करके रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, तो शेखर बाबू के बचने का कोई उपाय नहीं? मुझे अफसोस है रानी, उसने जो कुछ किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। रोती क्यों हो रानी बहन? बांके भैया, मैं कितनी बुरी हूँ। शेखर बाबू ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने उन्हें कितना बुरा भला कहा, कितना अपमान किया। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? जब मिले तो इकट्ठी माफी मांग लेना। शेखर बाबू हीरा आदमी है, हीरा। लेकिन मैं क्या करूँ, जब सोचती हूँ कि वो चोर है तो अपने आप को संभाल नहीं सकती। मेरा दिल फट जाता है। लेकिन अब तो वो सुधर गए हैं। सच बांके भैया? हाँ, इसमें रत्ती भर शक नहीं। भगवान करे ऐसा ही हो। अब तो आंसू पूछ डालो। अरे पंडित जी। हाँ रानी, लीला यहाँ आई थी? नहीं तो क्यों, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ बताइए। क्या बताऊँ, कल रात से लीला बिटिया का कुछ पता नहीं है। तुम्हारे नाम ये चिट्ठी उसके कमरे में पड़ी थी। आज
बेटी। बाबूजी, बाबूजी। अरे मोहन, यकाय कैसे चले? मुझे खबर नहीं दी। जी कुछ काम है। अच्छा चलो मैं आता हूँ। कहिए कुछ सोचा? जी ये चाल ठीक रहेगी। क्या? देखिए आप किसी तरह रानी को स्टेज पर एक बार फिर उतारिए। इससे क्या होगा? मेरा ख्याल है शेखर रानी को देखने के लिए थिएटर जरूर आएगा। ये आप दादा के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं शेखर को अच्छी तरह जानता हूँ। वो रानी के लिए चलती हुई मोटर में से कूद कर भागा, उसके लिए आपके यहाँ चोरी की, अपने आप को खतरे में डालकर वो अस्पताल गया। वो रानी के लिए सब कुछ कर सकता है। आप रानी को स्टेज पर उतार कर देखिए तो वो जरूर आएगा। हाँ सुना है कि वो एक चिट्ठी रख गई है, उसमें लिखा है कि वो घर में रहकर पुल को कलंकित नहीं करना चाहती। ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से लीला की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे कहाँ जाता है पागल नंबर, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। नहीं माँ, 10,000 रुपए के लिए तुम लोगों ने एक बेकसूर लड़की की हत्या कर डाली। अब मैं इस मकान में एक मिनट नहीं ठहर सकता। बेटा मोहन, मोहन क्या बात है? मोहन घर से चला गया, रोकिए रोकिए उसे। मोहन चला गया क्यों? लीला की बात सुनकर पागल सा होकर घर से चला गया। कुछ कीजिए ना, कह गया है अब घर में पैर न रखेगा। रुपए के पीछे दूसरा लड़का भी खो दिया, रुपए हमारे किस काम आएगा? जाइए जाइए मेरे लड़के को वापस लाइए। रानी आप यहाँ? कहीं कैसे तकलीफ की? ओ, देखो रानी तुमसे एक काम। कहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे थिएटर में तुम फिर काम शुरू कर दो। शुक्रिया, मैं आपके थिएटर में काम करना नहीं चाहती। देखो तुम जितने रुपए कहो मैं देने को तैयार हूँ, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ओ, तो हम उस पर दया करने आए हैं। माफ कीजिए, अब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। तुम जो मांगो मैं दे सकता हूँ, 1,000, 2,000, 4,000। आपको अपने पैसे का बहुत घमंड है, अब अगर आप मुझे 10,000 रुपया भी दे तो मैं काम न करूंगी। रुपए के लिए न सही, लेकिन मेरे कहने से तुम स्टेज पर बस एक ही दफा उतर जाओ, मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। एहसान? क्या गरीब भी अमीरों पर एहसान कर सकते हैं? नहीं आप जाइए यहाँ से, आपने मेरे पिता मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं आपके कोई बात नहीं सुनूंगा। देखो अच्छी तरह सोच लो, मैं तुम्हारी हर शर्त मंजूर करने को तैयार हूँ। आप जा सकते हैं। अच्छा सुनिए, आप मेरी हर शर्त मानने को तैयार हैं? हाँ कहा तो। ठहरिए, गोविंद रक्षा कर।
बता, ऐ दुनिया बता, हमने बिगाड़ा है क्या तेरा, घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा, घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा, बचपन में छोड़ के मेरे बाबू चले गए, बचपन में छोड़ के मेरे बाबू चले गए, बहना चली गई मेरे साजन चले गए, मेरे साजन चले गए, किस्मत ने ठाकरा ने किया हाल क्या मेरा, किया हाल क्या मेरा, घर घर में दिवाली है मेरे घर में, मैं किसको ढूंढती हुई संधियारी रात में, टूटे हुए नसीब का दीपक ले हाथ में, मैं किसको ढूंढती हुई संधियारी रात में, टूटे हुए नसीब का दीपक ले हाथ में, रोते ही रोते पाए, रोते ही रोते पाए, हो जावेगा सवेरा, घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा। हमने तो फकीरों से सुनी थी ये कहानी, किस्मत की लकीरों से बंधी दुनिया दीवानी, हमने तो फकीरों से सुनी थी ये कहानी, किस्मत की लकीरों से बंधी दुनिया दीवानी, वो घर के बीच में भी है दीवार का घेरा, वो घर के बीच में भी है दीवार का घेरा, घर घर में दिवाली तो मेरे घर में अंधेरा। चारों तरफ लगा हुआ मीना बाजार है, धन की जहाँ पे जीत गरीबों की हार है, इंसानियत के बेस में फिरता है लुटेरा, जी चाहता संसार में मैं आग लगा दूं, सोए हुए इंसान की किस्मत को जगा दूं, वो तर से उड़ा दूं मैं दया धर्म कनेरा। अब किसको सुनाऊं मैं मेरा गम कतराना, पत्थर के दिलाने मेरा दुख दर्द न जाना, अब किसको सुनाऊं मैं मेरा गम कतराना, पत्थर के दिलाने मेरा दुख दर्द न जाना, मेरे जिगर के टुकड़ों को किसने बिखेरा, किसने बिखेरा, घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा, घर घर में दिवाली है मेरे। Thank you.
इंस्पेक्टर साहब। चलो शेखर, खेल खत्म हो गया। अरे शेखर बाबू, शेखर बाबू, लीला स्टेज पर देखने की जरूर आएंगे। जी मुझे फांस इसके सिवा कोई चारा न था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी शायद तुम पूरी कर सको। मैं वो कैसे बताता हूँ। ये लॉकेट तुम्हारा है? जी हाँ। और ये अंदर की तस्वीर क्या तुम्हारी माँ की? क्यों जानना चाहते हैं? 20 साल में मेरा एक लड़का घर छोड़ के चला गया था, मैं उसका पता लगाना चाहता हूँ। ये उसकी माँ की तस्वीर है। उसकी माँ की तस्वीर? क्या नाम था उसका? मदन। मदन? हाँ बेटा, तुम्हें हमारे मदन हो ना? जी। बोलो, बताओ बेटा। जी नहीं, आप लोग गलती कर रहे हैं, मैं आपका मदन नहीं। तुम मेरे मदन नहीं? ये तस्वीर तुम्हारी माँ की नहीं है? जी नहीं। फिर तुम्हारे पास कैसे आई? बहुत दिन हुए लॉकेट मैंने चुराया था, इसी में वो तस्वीर थी। कहाँ, किसके यहाँ चुराया? बताओ बेटा, हमें हमारे लड़के का पता मिल जाएगा। मुझे अफसोस है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। कुछ भी याद नहीं है? जी नहीं, बहुत अरसा हुआ। ओह, अब मेरा मदन कभी ना मिलेगा। हाँ, हमारी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आपको देर हो रही होगी। मुबारक हो रानी, मुझे बड़ी खुशी तुम्हारा पैर अच्छा हुआ। जी शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। ये देखिए मिस्टर इंद्रजीत, ये दस्तखत आपके? जी हाँ। तो आप शेखर पर से केस उठा लेना चाहते हैं? जी, दानी ने स्टेज पर उतरने से पहले मुझसे वादा करवा लिया। ये क्यों किया रानी? मेरी खुशी चाचा जी, अभी आपको मेरी दो शर्तें और पूरी करनी है, लीला और मोहन का ब्याह और पिताजी के कर्जे की माफी। हाँ, मैं तुम्हारी सब शर्तें पूरी करूँगा। तुमने जो कुछ चाहा तुम्हें मिल गया, लेकिन मुझे मेरा लड़का ना मिला। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए शेखर। अच्छी बात। शेखर तुम आजाद। मिसेज इंद्रजीत, आपने अपने लड़के की एक और भी तो निशानी बताई थी। उसके हाथ में अपना नाम मदन बुदा हुआ था। मिस्टर एंड मिसेज इंद्रजीत, आप लोगों का मदन मिल गया। जी मिल गया। ये देखिए मदन। मदन? मदन। पिताजी। बेटा, 20 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम्हारा कोई पता ना मिला। अब भी तुम अपने आप को छिपा रहे। क्या अब तक बूढ़े बाप से नाराज हो? ये बात नहीं पिताजी, मैं एक चोर बदमाश, आपका लड़का कहलाने के लायक। ऐसा ना कहो बेटा, औलाद अगर बिगड़ जाए तो इसमें उसका कसूर नहीं बल्कि उसके माँ बाप का। बेटा, हमारे कारण न जाने तुम्हें कितने दुख उठाने पड़े होंगे। माँ। मदन। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूँ? इसकी जरूरत नहीं मिस्टर इंद्रजीत, मुझे खुशी इस बात की है कि आपका लड़का आपको मिल गया और मेरी एक मुसीबत कम हो गई। हजूर, एक नहीं दो। क्या मतलब? आज से हमने भी छोड़ा उठाईगिरी का पेशा, अब शरीफों की जिंदगी बसर करेंगे। इरादा तो नेक है। हाँ देखिए, इस केस के बारे में आपको एक लिखा हुआ बयान पेश करना होगा। अच्छी बात। अच्छा तो मुझे याद दीजिए। आदाब। आदाब। चलो जी छोड़ो। छोड़ो ऐसे। बढ़िया है पुलिस की धुन। बेटी, तुम मेरे मदन की बहू बनोगी ना? यस सर।
मुझे भी तुम्हारी दो शर्तें और पूरी करनी है। जी हाँ, कितना अच्छा होता अगर पिताजी लीला मोहन सब मिल जाते। वो मेरा जिम्मा। सुनो बहू, जरा ख्याल रखना ये कहीं फिर ना भाग जाए। मैं तुम्हें सोते जा रही हूँ। बोलो रानी, मेरी जिम्मेदारी लेती है। पार्टनर कहाँ चले तुम? अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? तुम्हें तो हमसे भी अच्छा पार्टनर मिल गया है। रानी, तो तुम मदन की बहू बनोगी ना? क्यों, किसी और को चाहती? किसको? शेखर बाबू। उस चोर लुटेरे बदमाश को? कभी होंगे, अब तो नहीं है। रानी, कहाँ है ये लोग? पिताजी, भैया। सब कीजिए। थैंक यू। क्या खा रहे हैं तुम? नो नो, आई मीन मेरा मतलब शुक्रिया, धन्यवाद। अरे बाबू, कहाँ भाग जल्दी? अरे छोड़, अरे मैं नहीं छोड़ू, बोले जाने के लिए। अरे हजूर, हजूर। क्या हुआ पार्टनर? लीला दीदी। बहन, कहाँ थी तू इतने दिन? बाबूजी के पास थी दीदी। बाबूजी के पास? कहाँ है बाबूजी? बेटी, बाबूजी, मोहन। माँ, देखा रानी, तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई? हाँ चाचा जी। हाँ देखो, मेरा कर्जा चुकाने की सिर्फ एक ही शर्त है। क्या? रानी और लीला की शादी मेरे मदन मोहन से कर दो। सच? इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? लेकिन क्या तुम्हारा मदन मिल गया? वो है शेखर। हाँ, शेखर ही मेरा मदन। दादा, मोहन, हमने जो कुछ बिगाड़ा था हमारे बच्चों ने उसे सुधार दिया। हाँ। गोविंद, तुम्हारी भी क्या माया। सब कुछ किस्मत के खेल है पंडित जी। बाकी जगह ले जी। हजू